शर्मनाक हार के बाद बांग्लादेश के कप्तान ने टीम इंडिया पर दिया चौंकाने वाला बयान। जी हां दोस्तों, आज भारत और बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा और आखिरी T20 मैच खेला गया और इस मैच में टीम इंडिया ने इतिहास ही रच दिया। लगभग 300 रन ठोक कर टीम इंडिया ने इस मैच को आसानी से जीत लिया। वहीं एक और शर्मनाक हार झेलने के बाद बांग्लादेश के कप्तान नजमुल शांटो भड़क उठे और फिर उन्होंने टीम इंडिया पर कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। जी हां, आपको बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, टीम इंडिया के बल्लेबाजों की ओर से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में कमाल का प्रदर्शन देखने को मिला। बांग्लादेश के खिलाफ इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर रन बनाए और चौके छक्कों की बारिश कर दी। टीम इंडिया ने इस मैच में अपने T20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह संजू सैमसन का शतक और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पारी रही। इसके अलावा रियान पराग और हार्दिक पंड्या ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाए। इस मैच में सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, जो सही साबित हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 297 रन बनाए। भारतीय बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में शुरुआत से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। टीम इंडिया ने 100 रन का आंकड़ा सिर्फ 7.1 ओवर में छुआ और 10 ओवर होते होते 150 रन भी पूरे किए। संजू सैमसन इस पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज रहे। संजू सैमसन ने 46 गेंदों में 111 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 11 चौके और 8 छक्के जड़े। इसके साथ ही संजू ने T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए दूसरा सबसे तेज शतक जड़ा। वहीं सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 35 गेंदों पर 75 रन बनाए। उन्होंने भी 8 चौके और 5 छक्के जड़े। इन दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद हार्दिक पंड्या और रियान पराग ने टीम की पारी को आगे बढ़ाया और बड़े स्कोर तक पहुंचाया। रियान पराग ने 13 गेंदों पर 34 रन बनाए। वहीं हार्दिक पंड्या में 18 गेंदों पर 47 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसके बाद 298 रनों का विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत बेहद ही खराब रही। पावर प्ले में ही उन्होंने 59 के स्कोर पर अपने 3 विकेट गवा दिए। वैसे भी इतना बड़ा लक्ष्य बांग्लादेश के लिए हासिल करना नामुमकिन ही था और ऐसा ही हुआ। टीम इंडिया ने इस मैच को बड़े आसानी से जीत लिया और सीरीज में बांग्लादेश को व्हाइट वॉश कर दिया। वही एक और शर्मनाक हार झेलने के बाद बांग्लादेश के कप्तान नजमुल शांटो भड़क उठे और फिर उन्होंने टीम इंडिया पर कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। शांटो ने कहा, सबसे पहले मैं टीम इंडिया को इस जीत के लिए बधाई देना चाहूंगा। ये मैच हम जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। हमारे गेंदबाजों की इस तरह से कभी पिटाई नहीं हुई है और ये मेरे कप्तानी के अंडर हुआ है, इसलिए मैं बेहद शर्मसार हूँ। टीम इंडिया के बल्लेबाजों को रोकने के लिए हमने सभी प्लान का यूज कर लिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। खास करके संजू सैमसन को रोकना तो नामुमकिन ही हो गया था। उनको इतने आसानी से छक्के चौके मारता देख मैं भी हैरान हो गया था। संजू बेहद ही आसानी से हमारे गेंदबाजों को धो रहे थे। वही सूर्या कुमार यादव ने भी हमारा बुरा हाल कर दिया था। शांटो ने आगे कहा, संजू और सूर्या के आउट होने के बाद हमें थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर रियान पराग और हार्दिक पांड्या ने भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने हमारे गेंदबाजों को पूरी तरह से डिमोटिवेट कर दिया। पिच तो बल्लेबाजी के लिए अच्छी थी, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था कि स्कोर 300 के करीब पहुंच जाए। ये तो टीम इंडिया के बल्लेबाजों का कमाल था। ये टीम बेहद ही खतरनाक है। ये बेकॉफ होकर खेलते हैं, इसलिए उन्हें इतना सक्सेस मिल रहा है। हमें उनसे ये सीखना चाहिए। हाँ, हमने इस सीरीज में खराब क्रिकेट खेली है, लेकिन इस टीम इंडिया को हराना नामुमकिन ही है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा बयान था बांग्लादेश के कप्तान का टीम इंडिया की जीत पर। वही अगर आपको सैमसन की बैटिंग का फुल वीडियो देखने के लिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दी है। टेलीग्राम पर हम क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले देते हैं और साथ में मजेदार मीम्स भी शेयर करते हैं, तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बन जाइए। वही आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि टीम इंडिया की इस जीत का हीरो कौन है। वही दोस्तों, भारतीय टीम की इस शानदार जीत के बाद पाकिस्तान के दिग्गजों ने बड़ी बात कही है। सबसे पहले शोएब अख्तर ने बात करते हुए कहा कि मेरे पास भारतीय टीम के लिए शब्द नहीं है। आज उन्होंने क्या ही खेला है, भला ऐसा कोई किसी को कैसे मार सकता है।
भारतीय टीम ने आज जो बांग्लादेश की टीम को धोया है ये उन्हें सालों तक याद रहेगा। शुरुआत में संजू ने जो बल्लेबाजी की है वो दिखा देती है कि उनमें कितना क्लास है। उन्हें मौके मिलते ही नहीं थे लेकिन आज उन्होंने सभी सिलेक्टर्स की बोलती बंद कर दी। उसके बाद सूर्या को तो हम जानते ही हैं, वो इस तरह की बल्लेबाजी करने के लिए जाने ही जाते हैं। और अंत में हार्दिक और रियान पराग का तूफान, हम पाकिस्तानी सिर्फ सपने देख सकते हैं। पता नहीं हमारी टीम इस तरह की क्रिकेट कब खेलेगी और कब हमारे पास भारतीय टीम जैसे बल्लेबाज होंगे। वही वसीम अकरम ने बात करते हुए कहा कि आज बांग्लादेश की टीम रात को सो नहीं पाएगी, ये डरावने मोमेंट्स उन्हें सपने में भी आने वाले हैं। भारतीय बल्लेबाजों ने आज जो कमाल किया है उसने बता दिया कि क्यों वो इस समय की वर्ल्ड चैंपियन टीम है। बांग्लादेश के गेंदबाजों के पास कोई प्लान्स ही नहीं थे, उनकी पूरी टीम ही बौखला गई थी। और जब कोई टीम लगभग 300 का टारगेट देती है, वो भी T20 में, जाहिर से बात है कि वही टीम जीतेगी, और हमें वैसा ही देखने को मिला। उम्मीद यही है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और बाकी बड़े बड़े टीमों के सामने भी ऐसी ही क्रिकेट खेले। वही रमीज राजा ने बात करते हुए कहा कि जब से सूर्या और गौतम गंभीर की जोड़ी बनी है तब से ये टीम काफी खतरनाक लग रही है। पहले तो उन्होंने बांग्लादेश को पहले दो मैच में एक तरफा अंदाज में हराया था और आज जो उन्होंने बांग्लादेश का हश्र किया है इससे पता नहीं बांग्लादेश की टीम कब उभर पाएगी। सही मायने में तो बांग्लादेश की टीम ने बेहद ही घटिया क्रिकेट खेला है, चाहे आप टेस्ट में बात करो या अब इस T20 सीरीज में। एक मैच में भी ऐसा नहीं लगा कि बांग्लादेश की टीम इस भारतीय टीम को टक्कर दे पाएगी। इससे घटिया क्रिकेट खेलते हुए मैंने आज तक किसी भी टीम को नहीं देखा है। वही शोएब मलिक ने बात करते हुए कहा कि आज संजू सैमसन ने कमाल ही कर दिया। संजू ने अपने सभी हेटर्स को करारा जवाब दे दिया। संजू कितने टैलेंटेड है आज उन्होंने अपने बल्लेबाजी से बता दिया। रिशाद को उन्होंने जो एक के बाद एक पांच छक्के मारे थे वो लाजवाब था, बस एक छक्के से छूट गए, वरना 6 छक्के का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेते। मुझे लगा कि आज भारतीय टीम इतिहास रचने वाली है और 300 रन बनाने वाली है। हालांकि वो 3 रन से चूक गए लेकिन 297 का टारगेट भी कम नहीं होता, ये हमें रोज रोज देखने को नहीं मिलती। इस कमाल की बल्लेबाजी के लिए मैं भारतीय टीम को सल्यूट देना चाहता हूँ। दोस्तों, आप इन पाकिस्तानी दिग्गजों के बयान पर क्या कहना चाहोगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। संजू ने ये शतक सिर्फ 40 गेंदों में ठोका और ये टीम इंडिया के लिए सेकंड फास्टेस्ट T20 100 है। उन्होंने अपने ही कप्तान सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड थोड़ा। संजू 47 गेंदों में 111 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी में उन्होंने 11 चौके और 8 छक्के लगाए। बांग्लादेश के खिलाफ एक भारतीय का T20 में ये हाईएस्ट स्कोर है। इससे पहले ये रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम था। संजू ने युवराज सिंह को भी इस मामले में पीछे छोड़ दिया। वही बांग्लादेश के खिलाफ T20 में सबसे ज्यादा छक्के और चौके लगाने का रिकॉर्ड भी अब संजू के नाम हो गया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था। वही 180 संजू सैमसन की इस खतरनाक बल्लेबाजी देख युवराज सिंह और क्रिस गेल भी हैरान रह गए। युवराज सिंह ने कहा, क्या बल्लेबाजी की संजू सैमसन ने मजा ही आ गया। अगर वो पहली गेंद डॉट नहीं रहती तो संजू मेरा 6 छक्कों का भी रिकॉर्ड देता और अगर ऐसा होता तो मैं बहुत खुश होता। हालांकि मैं संजू के लिए खुश हूँ, बहुत समय से हम उनसे ऐसी पारी का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद क्रिस गेल से कहा, बहुत समय बाद मैंने किसी भारतीय से ऐसी बल्लेबाजी देखी है। संजू कितने टैलेंटेड है वो उन्होंने आज सबको दिखा दिया। वही उन्होंने मेरा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा। संजू को टीम इंडिया को ऐसे में मौके देने चाहिए तो वो आगे जाकर काफी रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे। तो दोस्तों, आप संजू सैमसन की इस बल्लेबाजी 10 में से कितने नंबर दोगे कमेंट जरूर करें। वही क्रिकेट के हर खबर के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।